आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बीजेपी में नमो नमः, यही वो मंत्र है जो अब खुलकर सामने आया है। यानी बीजेपी अब एक तरह से ये मान चुकी है कि 2014 में अगर नई आपार लगानी है तो नमो नमः का ही मंत्र कारगर साबित होगा, ये खुलकर साफ दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी को न सिर्फ संसदीय बोर्ड में चुनाव समिति में शामिल कर लिया गया है, संसदीय बोर्ड यानी सबसे ताकतवर समिति, सबसे ताकतवर बोर्ड किसी भी पार्टी में, उसमें उन्हें शामिल कर लिया है, बल्कि महासचिव के रूप में अमित शाह को शामिल करना बहुत कुछ कहता है उनके बढ़ते दबदबे और कद के बारे में बीजेपी के अंदर। आगे सिलसिलेवार ढंग से सर आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने जो आज अपनी नई टीम चुनी है उसमें कौन कौन से चेहरे हैं जिसके साथ वो 2014 की तैयारी कर रहे हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। संसदीय बोर्ड जिसमें राजनाथ सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, ये सबसे ताकतवर बोर्ड है, सबसे ताकतवर बोर्ड है। और इसमें 2006 में शामिल किए गए थे नरेंद्र मोदी, लेकिन फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी, बाहर कर दिए गए थे 2007 में। मुरली मनोहर जोशी, वेंकैया नायडू, नितिन गडकरी, वाजपेयी साहब, आडवाणी, जोशी एक वक्त पर त्रिदेव माने जा रहे थे बीजेपी में। नितिन गडकरी के बाद देखिए सुषमा स्वराज, अरुण जेटली भी अब संसदीय बोर्ड में है। रामलाल अनंत कुमार, यहाँ पर जरा मतभेद से खबर तरह की आई थी, थावरचंद गहलोत साहब भी हैं। और ये है वो चेहरा जिसका इंतजार शायद बहुत लोग बीजेपी के अंदर कर रहे थे, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी भी शामिल कर लिए गए हैं अब संसदीय बोर्ड में। ये है पूरी संसदीय बोर्ड की तस्वीर जो हमने आपको दिखाई। इसी के साथ अब महासचिवों की बात कर लेते हैं। अनंत कुमार शामिल किए गए। अनंत कुमार को लेकर बीते दिन भी असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, कहा जा रहा था कि शायद वो नहीं रखे जा सकते हैं इस बार, लेकिन कहा गया आडवाणी जी के पास गए थे, वहां पर उनकी बात मानी गई। थावरचंद गहलोत है, जेपी नड्डा है, धर्मेंद्र प्रधान है, यहाँ भी असमंजस की स्थिति थी प्रधान के नाम को लेकर। इधर देखिए उसके बाद हम दिखा रहे हैं आपको सबसे विवादित चेहरा तापरगांव के बाद, सबसे विवादित चेहरा था अमित शाह का, फिर वरुण गांधी, भड़काऊ भाषण का मामला लंबे वक्त तक इनका पीछा करता रहा, कट्टर हिंदुत्व के चेहरे के रूप में देखे जाने लगे। राजीव प्रतापपुरी, मुरलीधर राव, रामलाल, ये सब चेहरे हैं जो महासचिव के रूप में टीम में शामिल किए गए हैं। और इसके बाद अब बात उपाध्यक्ष की कर लेते हैं। उपाध्यक्ष के रूप में सदानंद गौड़ा शामिल किए गए हैं, मुख्तार अब्बास नकवी शामिल हैं, सीपी ठाकुर एक और ऐसा चेहरा जो खुलकर नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री की दावेदारी की वकालत करता रहा है बिहार में, जेडीयू की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर भी। इसके साथ ही ज्वेल उराव साहब इसमें शामिल किए गए हैं, एसएस अलूवालिया, बलबीर पुंज बहुत बड़े आप कह सकते हैं प्रशंसक हैं नरेंद्र मोदी के, सतपाल मलिक शामिल किए गए हैं, प्रभात झा मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। और ये सवाल था कि उन्हें उमा भारती दोनों को क्या मध्य प्रदेश से लाया जाएगा, लाया गया है उपाध्यक्ष के रूप में, महासचिव नहीं। बिजॉय चक्रवर्ती, लक्ष्मीकांत चाला, किरण माहेश्वरी, स्मृति ईरानी भी प्रशंसक मानी जाती है नरेंद्र मोदी की, उनका भी उपाध्यक्षों की लिस्ट में शामिल कर दिया गया है नाम। एक खास मेहमान हमारे साथ पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं, सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। शकील अहमद जी, वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। चाइना एनसी सदस्य भारतीय जनता पार्टी की हमारे साथ जुड़ गई हैं नेता। इसके साथ ही नीरज कुमार जी जो कि प्रवक्ता हैं जेडीयू के हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुछ ही देर में वाणिज्य पार्टी भी जुड़ेंगी जो आज राष्ट्रीय सचिव बनाई गई है बीजेपी की। सबसे पहले लेकिन आपके पास आते हुए नीरज जी, मैं इसलिए आपसे ये सवाल सबसे पहले कर रही हूँ क्योंकि जो भी लिस्ट आ जाई है उसका सीधा फॉलोआउट आप पर होगा। आप एनडीए में गठबंधन की पार्टी है, सबसे ताकतवर बोर्ड में उन्हें शामिल किया गया है और अमित शाह को महासचिव बनाया गया है, ऐसे में कुछ तो प्रतिक्रिया आज आप देंगे क्या? अब अभी भी आप लोग चुप ही रहेंगे और कहेंगे कि नहीं इंतजार कीजिए 2014 का? नहीं, ये किसी दल का संगठित आंतरिक मामला है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है, संगठन आईना होता है। अब आज देश का सार्वजनिक जीवन नैतिक मूल्यों के संकट से जूझ रहा है। हम पर कोई दाग लग जाए और दाग लगने के बाद अगर हमको सम्मान मिले तो निश्चित रूप से हमारी क्रेडिबिलिटी पर, हमारे जो हमारा संकल्प है उस विश्वसनीयता पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। ये तो बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है कि सार्वजनिक जीवन में अगर आप पर कोई दाग लगे और उसको ताकत मिले तो ये सार्वजनिक जीवन के मूल्यों के बिल्कुल विपरीत है और देश इन चुनौतियों से भी जूझ रहा है नैतिक मूल्यों के संकट से। मतलब आप सब कुछ कहेंगे लेकिन सीधे सीधे नहीं कहेंगे, ये पुरानी लंबी लाइन अब रह चुकी है। शकील जी, आपसे और शायना जी से एक छोटा छोटा रिएक्शन चाहते हैं, फिर अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट भी जरा दिखाएंगे। सबसे पहले आपके पास आते हुए शायना एनसी जी, यानी नमो नमः का ही मंत्र अंततः आपको नैया पर लगाएगा, ये मान आपकी पार्टी?
देखिए, मैं मानती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी हमारे वरिष्ठ नेता है, उन्होंने जो डिलीवरी दिया है और उनका जो रिकॉर्ड रहा है, शायद हिंदुस्तान ने कभी इतिहास के बाद ऐसे नेतृत्व नहीं देखा है, जहाँ डेवलपमेंट की बात हो, प्रोग्रेस की बात हो, प्रगति की बात हो। और चर्चा करना अवश्य सबका हक बनता है, लेकिन जिस व्यक्ति ने 3 बार रिकॉर्ड विनिंग गुजरात में दिया है और गुजरात को ना सिर्फ हिंदुस्तान के मैप पे लेकिन एक अंतरराष्ट्रीय मैप पे, जहाँ वर्ल्ड बैंक के लोग भी कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस के लोग भी कहते हैं कि गुजरात नंबर 2 प्रदेश है पूरे विश्व में, मुझे लगता है कि ये एक सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी बहुत विकास हुआ है शायना जी, मध्य प्रदेश में भी बहुत विकास हुआ है, लेकिन आडवाणी जी के बहुत पुरजोर तरीके से वकालत करने पर भी उनको जगह नहीं मिली, एक ही मुख्यमंत्री शामिल किए गए। अश्किल जी, आपसे एक छोटा सा रिएक्शन, क्यों ना ये मौका दिया जाए, क्योंकि 2006 में संसदीय बोर्ड में थे, मोदी को फिर हटा भी दिया गया था 2007 में, ये जगह उन्होंने अपनी लगातार जीत के बाद बनाई है, पार्टी को इस जगह पर वो ले गए कि उन्हें ये जगह दी जाए, कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया। शकील, नहीं देखिए, ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है, इससे कांग्रेस का कुछ लेना देना नहीं, लेकिन चूंकि बात सार्वजनिक जीवन की है, राजनीतिक दल की है, इसलिए करते हैं। मैं चूंकि जो हमारे माननीय नेता है वहां, मैं उसे सहमत हूँ कि सार्वजनिक जीवन में एक छवि, एक चरित्र होना चाहिए। और सबसे जो आश्चर्यजनक रूप से ये बात मीडिया में आ रही थी कि नरेंद्र मोदी जी का दबाव है कि अमित शाह जी को शामिल करने का, वो एक मामले में अभी जेल से छूट के बेल पर आए हैं, शायद दूसरे मामले में हो सकता है, जो मीडिया में आप लोगों ने दिखाया है, हो सकता है उनकी गिरफ्तारी भी हो जाए, और ऐसे समय में उनका प्रमोशन हुआ है तो लगता है, और नरेंद्र मोदी जी के कहने से हुआ है, तो एक सवाल उठता है कि ये फेक इनकाउंटर का जो उनका आरोप है, कहीं वो सिर्फ एग्जीक्यूट तो उसको नहीं कर रहे थे, आदेश उनको फेक इनकाउंटर कराने का किसी दूसरे से मिला था, जिसकी वजह से वो रिवार्ड उनको मिला है, तो ये सब बातें होती रहती है। और आप लोग एक बात प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े कद वाले नेता, जो सबसे बड़े समर्थक थे, हैं यशवंत सिन्हा, जिनको लिए मजबूर होके राजनाथ सिंह जी को कहना पड़ा कि आप मत बोल सकते हैं, किसी का नाम नहीं ले सकते हैं, उन यशवंत सिन्हा जी को कहीं शामिल नहीं किया गया, छुटभैये नेता आ गए कमेटी में, लेकिन यशवंत सिन्हा जैसा कद्दावर नेता नहीं आए, जो नरेंद्र मोदी करे रहते थे। तो ये कहना कि बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी के जो समर्थक इनसिग्निफिकेंट लोग थे, जो उनके नाम का फायदा उठाना चाहते थे, उनको शामिल किया है, और एक दो आदमी नरेंद्र मोदी जी के दबाव पे शामिल किए गए हैं, जो हम लोगों को लगता है, और इसमें कोई इतिहास अपने को दोहराता है, राजनाथ सिंह जी ने ही उनको कमेटी में बनाया था, जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, और राजनाथ सिंह जी ने ही उनको हटा दिया, फिर राजनाथ सिंह जी ने उनको बनाया है, फिर कब हटा देंगे, ये तो राजनाथ सिंह जाने, बीजेपी जाने, हम लोगों को उससे कुछ लेना देना। चलिए ठीक है, सब कुछ बोलकर उससे कुछ लेना देना नहीं है। शायना जी, मुझे पता आप कुछ बोलना चाह रही है, मैं आऊंगी आपके पास, बात यशवंत सिन्हा की भी होगी, बात अमित शाह की भी होगी, और इस बात का भी जिक्र होगा कि जेल तक गए सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में, गुजरात से बाहर रहने के लिए भी उन्हें कहा गया, ऐसे शख्स को 11 महासचिवों की लिस्ट में शामिल करना बीजेपी की छवि के बारे में क्या कहता है, इस पर आपसे सवाल करेंगे, और नीरज जी आपसे भी, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को ये रिपोर्ट दिखाते हैं, कैसे नरेंद्र मोदी का वर्चस्व आज दिख रहा है बीजेपी। 2014 के लिए बन गई टीम, हो गई नरेंद्र मोदी की एंट्री, दिल्ली में सियासी दस्तक, संसदीय बोर्ड में फिर आए, मिशन 2014 के लिए राजनाथ सिंह की कप्तानी में टीम बीजेपी तय हो गई है, अब यही टीम खेलेगी और 2014 के चुनाव में जीत दिलाएगी, कम से कम राजनाथ सिंह को तो यही भरोसा रहा होगा। ये टीम राजनाथ की है, लेकिन इसमें दिख रहे हैं मोदी ही मोदी। राजनाथ सिंह की नई टीम में नरेंद्र मोदी की दबंगई फिर से देखी गई। बीजेपी में फैसला लेने वाली सबसे बड़ी समिति संसदीय बोर्ड में नरेंद्र मोदी को शामिल करके राजनाथ सिंह ने संकेत दे दिए हैं कि आने वाले दिनों में मोदी ही तय करेंगे बीजेपी की दिशा। गुजरात में हैट्रिक लगाने और पीएम कैंडिडेट को लेकर मोदी पर बार बार उठते सवालों का पहला जवाब तो अब मिल ही गया। जाहिर है बीजेपी तो नमो नमः यानी नरेंद्र मोदी के शरणागत है। लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, वो भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन के एक आइकॉन है, हमारे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री सफल मुख्यमंत्री है, लेकिन वो सबसे सीनियर है, ये वास्तविकता, पहले भी पार्लियामेंट्री बोर्ड में रहे, अब भी रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई, पार्लियामेंट्री बोर्ड में आ गए, और जनता की जो मांग है उस हिसाब से सबको करना चाहिए।
जनता चाह रही है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बने, तो इसलिए हम लोग तो वही बात करते हैं जो जनता बोलती है, जहां जाते हैं वही लोग बोलता है। तो अब तो वोट डिसाइड करना है, हम लोग के हाथ में कोई डिसीजन नहीं है, लेकिन मेन तो है कि जो बोर्ड डिसाइड करेगी। तो ये खुशी की बात है, कार्यकर्ताओं एक नई ऊर्जा के साथ काम करने का एक उत्साह नरेंद्र मोदी के नाम से मिलेगा। पार्टी तय करेगी और देश की जनता तय करेगी। बीजेपी में जश्न है, भरोसा है कि यही टीम 2014 में लोकसभा की मंजिल तक पहुंचाएगी, लेकिन न तो सहयोगी पार्टी जेडीयू इस बदलाव से बहुत खुश है और न ही कांग्रेस को इस टीम में बहुत कुछ दिखता है। कांग्रेस तो यहाँ तक कहती है कि ये टीम बीजेपी को बर्बाद कर देगी। ये तो बीजेपी हमेशा नैतिकता की बात करती है, और एक ऐसे शख्स को जो आज के दिन जिसके खिलाफ एक बड़ा गंभीर मुकदमा चल रहा है और वो भी इतना सीरियस क्रिमिनल केस चल रहा है, उसको आप महासचिव बना दो, मैं समझता हूँ कि बर्बादी की ओर बीजेपी जा रही है। हमारा जो मापदंड है देश के प्रधानमंत्री के संबंध में योग करता है, वो हमारा कमिटमेंट है, वो कमिटमेंट पर लगता है। सेकुलर क्रेडेंशियल का हो, पिछड़े राज्यों के विकास का पक्षधर हो, ये राजनीति के जनता दलियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है, वो हमारा कमिटमेंट है। अभी तो कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं आया, औपचारिक प्रस्ताव आएगा तो अपनी प्रतिक्रिया तुरंत दे देंगे। भारतीय जनता पार्टी की नई टीम को देखकर ये बात साफ है कि इस पर मोदी का असर है। खुद मोदी की एंट्री तो हुई ही है, उनके करीबों को भी पार्टी में मिली है खास जगह। दिल्ली से अमिताभ सिन्हा के साथ आज तक ब्यूरो। हमारी ये चर्चा जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद नीरज जी के पास चलेंगे। और शकील जी, सवाल बहुत दिलचस्प है, क्योंकि जेडीयू इस वक्त एक ऐसी पार्टी है जो खुलकर कांग्रेस के भी खिलाफ बोल लेती है, बीजेपी में भी सेक्युलरिज्म की बात कई बार कर देती है, लेकिन फिर भी सब कोई रिझे हुए लगते हैं जेडीयू पर। ये सवाल नीरज जी आपसे होगा कि यहां तक जो ऐलान हुआ है संसदीय बोर्ड में या उन्हें चुनाव समिति में डालने का, इससे आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं है ना? तो इंतजार करेंगे कि पीएम उम्मीदवार का नाम उनका लिया जाए, तभी जाकर आप लोग रिएक्शन देंगे। बीजेपी में नमो नमः के बीच लेकिन कुछ नए चेहरे भी डाले गए हैं और युवा चेहरे ने कहा जा सकता है, महिलाओं को काफी तादाद में लिया गया है। हमारे साथ वाणी त्रिपाठी जुड़ गई हैं जिन्हें सचिव बनाया गया है पार्टी में। सबसे पहले तो वाणी जी आपको बहुत बहुत बधाई। फिर एक सख्त सवाल, और वो सवाल ये कि नरेंद्र मोदी को खुश रखने के लिए अमित शाह को शामिल कर लिया गया, उनकी छवि का नहीं ख्याल रखा गया, गंभीर आरोप है उन पर जिसमें हत्या फिरौती जैसे संगीन इल्जाम है, इस बात की चिंता नहीं हुई पार्टी को? देखिए अंजना, अमित शाह गुजरात के गृह मंत्री थे और जो जो दोष प्रत्यारोप और जो भी उन पर एलिगेशन लगे उनमें से कोई एलिगेशन अभी तक सिद्ध नहीं हो पाया। जरूर पूरी कोशिशें हुई उन्हें गुजरात से बाहर रखने की। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि आज इस बार के विधानसभा में चुनाव में वो चुनाव लड़े और चुनाव जीते। संगठनात्मक दृष्टि से अमित शाह जी की सारी जो उपलब्धियां हैं वो गिनाने का इस वक्त समय नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित नव मनोनीत जनरल सेक्रेटरी महासचिव अमित शाह जी एक बहुत ही सशक्त नेता हैं गुजरात के, और संगठनात्मक दृष्टि से जो काम उन्होंने गुजरात में पार्टी के लिए किया वो बहुत ही उत्तम था, बहुत ही अच्छा था। और जो भी उन पे आरोप है उनमें से एक भी आरोप आज तक साबित नहीं हुआ है। ठीक है, इसलिए किसी भी तरह की अटकल, कोई भी किसी भी तरह की अटकलें लगाने से पहले हमें याद रखना चाहिए कि उनका केस किस मुआने पे खड़ा है और कौन से आरोप उनके खिलाफ ऐसे हैं जो साबित या सिद्ध होते हैं। शकील जी, नारायणपुरा से वो जीते भी हैं अभी अमित शाह। देखिए, मैं भी बधाई दूंगा वाणी जी को, नई युवा नेता है, वो कमिटी में आई है, सचिव बनी है, लेकिन जो बात आज कह रही है इससे पहले वो बात करती थी, मैं प्रवक्ता की हैसियत से एक आध दो बार मेरी बात हुई है उनसे आमने सामने टेलीविजन चैनल पे, तो मुझको लगता था कि बात में कुछ और पदाधिकारी बनने के बाद कुछ तथ्य आ जाएगा। कोई भी केस इस पर भी आरोप लगे हैं, बहुत नाम लेते थे ये लोग, राजा साहब का बहुत नाम लेते थे, कलमाटी साहब का, इन लोगों पर भी केस प्रूव नहीं हुआ है। अमित शाह जी जेल गए, इन लोग अभी तक टरीपार नहीं हुए हैं, अमित शाह जी को टरीपार किया गया था, और दूसरे केस में भी वो उन पर जो चार्ज फ्रेम ही होने वाला है लगता है जो बात हुई है।
तो मैंने पहले भी कहा इसमें कि ये लगता है कि अमित शाह जी ने अपने से नहीं कहा किया था ये सब काम, इन फेक इनकाउंटर ये उनसे करवाया गया था और करवाने वाले ने उनको पारितोषिक के रूप में, इनाम के रूप में ये पद दिलवाया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसका कोई डिफेंस नहीं है बीजेपी के पास। अगर कुछ होता, और देखिए ना, आप जो कह रही हैं कि सबसे शक्तिशाली समिति में नरेंद्र मोदी जी का मनोनयन हुआ है, उसी समिति में गडकरी जी भी हैं जो भ्रष्टाचार के आरोप में अभी भाजपा ने हटाया है उनको अपने अध्यक्ष पद से। भाजपा पहले कहती रही कि जो गडकरी जी पर कांग्रेस आरोप लगा रही है, तो कांग्रेस से लड़ने के बजाय अपने ही अध्यक्ष को घर बैठा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। उसी समिति में नरेंद्र मोदी जी का मनोनयन हुआ है जिसमें नितिन गडकरी जी पहले से मेंबर के ऐसे ऐसे मौजूद। बात तो चली है नरेंद्र मोदी की, बात उनका कहना चला है यानी राजनाथ सिंह की टीम है लेकिन चली है मोदी की। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मोदी आए और पूरे दमखम के साथ आए दिखाई दे रहे हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल है। शकील अहमद जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नीरज कुमार जी जेडीयू की तरफ से और वाणी त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तीनों से बातचीत करेंगे लेकिन इस रिपोर्ट के जरिए, बहुत छोटी सी रिपोर्ट है, जरा अपने दर्शकों को दिखा दें कि मोदी के कौन कौन से वो कट्टर समर्थक चेहरे हैं जो शामिल किए गए। वो चेहरे जो नरेंद्र मोदी के साथ हैं, वो चेहरे जो मोदी के समर्थक हैं, वो चेहरे जो मोदी के अपने हैं। टीम बेशक राजनाथ की है लेकिन इसमें नरेंद्र मोदी का दबदबा है। बीजेपी के मिशन 2014 में नरेंद्र मोदी की भूमिका कितनी मजबूत होने जा रही है, इस नई टीम में उसकी झलक मिल रही है। सबसे पहले बात महासचिवों की। बीजेपी के महासचिवों की लिस्ट में ऐसे तीन लोग शुमार किए गए हैं जो नरेंद्र मोदी के बेहद खास हैं। अमित शाह तो मोदी के दाहिने हाथ में नहीं जाते हैं, अनंत कुमार और धर्मेंद्र प्रधान भी मोदी के पुराने समर्थक हैं। ये मोदी का ही प्रभाव है कि कई आरोपों से घिरे गुजरात के पूर्व मंत्री अमित शाह को बीजेपी ने महासचिव बना दिया। इसी तरह राजनाथ की नई टीम में बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सीपी ठाकुर, वरिष्ठ बीजेपी नेता बलबीर कुंद और पार्टी की तेज तरार नेता स्मृति ईरानी भी है। जब भी प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी की उम्मीदवारी की बात चली है, इन नेताओं ने खुलकर मोदी का समर्थन किया है। नरेंद्र भाई आज से 6 वर्ष पूर्व भी मुख्यमंत्री रहते हुए पार्लियामेंट्री बोर्ड के सम्मानित सदस्य थे और वही स्थिति अब दोबारा आई है। इसमें कोई न्याय बात नहीं है और यह बात भी सही है कि नरेंद्र मोदी देश के एक उभरते हुए नेता है और भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता उनकी तरफ प्रेरणा के लिए देखते हैं। मोदी समर्थक वाणी त्रिपाठी और रामेश्वर चौरसिया बीजेपी के सचिवों की लिस्ट में शुमार है। मोदी को राजनेता बताने वाली वाणी त्रिपाठी टीम में बनी हुई है, जबकि बिहार के विधायक रामेश्वर चौरसिया को भी राजनाथ की नई टीम में जगह मिल गई है। जाहिर है बीजेपी औपचारिक तौर पर कोई ऐलान करे ना करे, लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की तैयारी में नरेंद्र मोदी की छाप अब साफ है। मोदी के लिए दिल्ली के दरवाजे आखिरकार खुल ही गए। मोदी भी अब राजनाथ की टीम में है और मोदी के सिपहसालार भी, लेकिन मोदी को पहले दिल्ली आकर ये साबित करना होगा कि वो टीम मैन है, लेकिन तब तक दिल्ली उनके लिए थोड़ी दूर जरूर रहेगी। कैमरामैन राजीव श्रीवास्तव के साथ मिताभ सिन्हा, दिल्ली आज तक। वाणी त्रिपाठी जी, राष्ट्रीय नेता तो वो बना दिए गए हैं लेकिन पीएम उम्मीदवार बनेंगे या नहीं? नरेंद्र मोदी सेक्युलर नहीं लगते हैं नीरज कुमार जी की पार्टी को? आपके गठबंधन की पार्टी है अंजना। पहले तो मैं जो शकील भाई ब्रेक पे जाने से पहले बातें कर रहे थे, बहुत धन्यवाद उनका कि उन्होंने मुझे शुभकामनाएं दी। शकील भाई पिछली बार हम किसी टेलीविजन पे बैठे मिले थे तभी मैं एक सेकंड, मैंने शुभकामना नहीं दी है, मैंने बधाई दी है आपको। मैंने शुभकामना का मतलब कि आपकी पार्टी तरक्की करेगी तो देश बर्बाद होगा, मैं आपको कभी शुभकामना नहीं दे सकता हूँ। बधाई दे सिर्फ, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, आपने मुझे करेक्ट किया, आपने मुझे बधाई दी है। पर मैं भी आपको करेक्ट कर दूं कि पिछली बार जब टेलीविजन डिबेट में हमारी मुलाकात हुई थी तब भी मैं राष्ट्रीय सचिव थी। राजनाथ जी ने मुझे दोबारा राष्ट्रीय सचिव मनोनीत किया है, मैं उसका धन्यवाद करती हूँ। दूसरा, जो शकील भाई ने इतनी बड़ी बड़ी बातें की संसदीय बोर्ड को लेकर और गडकरी जी का नाम लिया, तो मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि गडकरी जी पर प्रो क्यों नहीं कर रही है सरकार।
सिर्फ जाकर वहाँ वहाँ कैमरे दिखाकर क्यों डरा रही है? क्योंकि गडकरी जी तो खुद प्रूफ कराना चाहते हैं और ये तो हमारी भरमनसाहत है और गडकरी जी की संवेदना है कि उन्होंने खुद ये कहा कि मैं आगे नहीं अध्यक्ष रहना चाहता हूँ। आपकी तो अभी कैबिनेट डिस्कशन में लिप्त है, आप तो उन पर कोई एक्शन नहीं उठाते, आप तो उनके बारे में बात भी नहीं करते, आपके आपस में मंत्रियों में झगड़े होते हैं लेकिन भ्रष्टाचार आपके लिए मुद्दा नहीं है। कोई बात नहीं, जहां तक नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, पूरा देश एक स्वर में बात कर रहा है। शकील भाई, आपकी पार्टी दूसरे स्वर में बात कर रही है लेकिन वो तो करेगी क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और संगठनात्मक सारी परिस्थितियों में यह अक्सर सामने नहीं होता और वही सामने हमें दिखाई दे रहा है। तीसरी बात, कपिल सिब्बल की आपने आपकी आपकी कपिल सिब्बल की जो बात आपकी रिपोर्ट में की, कपिल सिब्बल जी की समस्या ये है क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते कि देश का युवा क्या सोच रहा है। आज भाजपा युवामय हो गई है तो इन्हें पच नहीं रहा क्योंकि इनकी युवाओं की ब्रांडिंग में ये समस्या है। और जहां तक जेडीयू का सवाल है, जहां तक नीतीश कुमार जी का सवाल है, आप जो सवाल मुझसे पूछ रही थी, जेडीयू एनडीए का भाग है और हमेशा रहेगा और उसके बारे में कोई यहां मीडिया में चर्चा करकर हम कोई इसको परिणाम इसका घोषित नहीं कर सकते। जेडीयू के प्रवक्ता आपके साथ आपकी टेलीविजन डिबेट में है, अगर उन्हें कुछ समस्या है तो वो इसका जवाब देंगे। हमारे लिए हमारा सम्मानित एलआई है जेडीयू और हमेशा रहेगा, एनडीए का भाग रहेगा। और शकील भाई, आप मुझे शुभकामनाएं बिल्कुल मत दीजिए, फिर भी मैं आपकी बधाई इसलिए स्वीकार करती हूँ क्योंकि आप मुझसे बड़े हैं और मैं वयस्कों का आदर करना जानती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। व्यक्तिगत बातों में उलझेंगे तो फिर हम मुद्दों से भटकेंगे। शकील जी, मैं चाहती हूँ आप रिएक्शन दें लेकिन उससे पहले जरा नीरज जी, आप भी बता दीजिए, ये जनता का भी तो कुछ हक है, वो उन्हें पार्लियामेंट्री बोर्ड में डाल दें, वो उन्हें कैंपेन कमेटी में डाल दें, वो उनके करीबी अमित शाह को जिन पर गंभीर आरोप है शामिल कर लें महासचिव के रूप में, लेकिन आप मौन रखेंगे, मौन रखेंगे उस हद तक कि जनता ये सोचे कि आप तो सेक्युलर सेक्युलर का नारा लगा रहे थे, आप नहीं थे नरेंद्र मोदी के साथ, फिर अपने अवसरवादिता के हिसाब से आप फैसले लें। आप लोग साफ साफ क्यों नहीं कहते, साफ क्यों नहीं नाम लेते नरेंद्र मोदी का, कब तक शब्दों के पीछे छिपिएगा नीरज जी? अंजना जी, दो तीन महत्वपूर्ण बात है। पहला बात यह है कि हमारा नगरिया पूरा देश जानता है और हमारा अनुभव है बिहार का। बिहार में सामाजिक सौहार्द सांप्रदायिक सौहार्द की बुनियाद पर आज बिहार को विकास के मामले में एक अच्छी जगह हमने प्राप्त। नीरज जी, नीरज जी, पब्लिक परसेप्शन अमित शाह सेक्युलर है। कितने घंटे हमने बर्बाद किए जनता को घुमाने में टेलीविजन डिबेट्स में। नीरज जी, अमित शाह सेक्युलर है। मैं आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ, मैं आपके प्रश्न का ही जवाब दे रहा हूँ। ये मैंने शुरू में आपको कहा कि सार्वजनिक जीवन में मूल्य होते हैं, पार्टी भी डिफरेंस होना चाहिए। अब कोई आरोप तय होने के बाद पब्लिक परसेप्शन गठित होता है, ऐसा ही होता है। आरोप अगर लगा और पब्लिक परसेप्शन उसी पर होता, और मैं अंजना जी आपके माध्यम से पूरे देश की जनता के सामने एक प्रश्न रखना चाहता हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और ये बहस अभिषेक होना चाहिए। आज संसदीय लोकतंत्र इतना खतरनाक दौर में है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी पर गंभीर अपराध हो, जेल की सलाखों के भीतर बंद हो और जेल में वह चुनाव जीत जाता हो और कल वह विधायक दल का नेता हो जाएगा, संसदीय दल का नेता हो जाएगा, क्या वह समाज का प्रेरणा स्रोत होगा? क्या सार्वजनिक जीवन में मूल्य नहीं बचेंगे? अगर आरोप लगा है, आरोप तय होने के बाद कार्रवाई करिए, ऐसी बात नहीं है। ये तो उच्च न्यायालय की टिप्पणी है नीरज जी, अमित शाह सेक्युलर उच्च न्यायालय की टिप्पणी है अंजना जी। नीरज जी, नहीं मैं तो कहा उच्च न्यायालय की टिप्पणी है ये, नहीं आप सब कुछ कह रहे हैं लेकिन सीधे सीधे जवाब नहीं दे रहे। शकील जी, छोटा सा सीधा जवाब मैं दे रहा हूँ, मैं आपको तो सीधा जवाब दे रहा हूँ। उच्च न्यायालय की अगर जी बोलिए शकील, बोलिए अंजना जी। देखिए, वाणी जी ने एक बात कही कि नितिन गडकरी जी ने स्वेच्छा से अध्यक्ष पद छोड़ दिया, कांग्रेस तंग करवा रही है तो इन्होंने अपने अध्यक्ष को घर बैठा दिया, इसलिए कि चित्र होना चाहिए, पब्लिक परसेप्शन होना चाहिए। और जिस व्यक्ति पर हत्या का आरोप है, एक नहीं कई हत्या का आरोप है और सभी धर्मों के लोगों के हत्या करवाने का आरोप है, मुकदमे चल रहे हैं, टरी पार न्यायालय द्वारा किए जा रहे हैं, उनको 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 बीच में नहीं बोलते हैं। वाली जी बीच में नहीं बोलते हैं, बीच में हमने आपको नहीं किया है, बीच में नहीं ट्रंप कीजिए, और नहीं तो अगर आप इंटरप्ट करने लगेंगे तो आप ज्यादा जोर से नहीं बोल पाइएगा, हम इंटरप्ट करने लगेंगे, इसलिए हम इंटरप्ट नहीं करते हैं, आप इंटरप्ट नहीं कीजिए, नहीं आप
हम इंतजार कर रहे हैं। आप चाहती हैं, आप चाहती हैं कि मुझे बात सुने कि नहीं सुने, आप अपनी बात कहने के लिए हमको नहीं सुने। आपके बाद अगर निवेश में आइएगा तो मैं भी इसी तरह इंतजार करूंगा, याद रख लीजिए। इसलिए कि अभी सारे लोगों को मालूम है अमित शाह जी को तरीफार किया गया, अमित शाह जी पर दोनों एक साथ बोलेंगे तो कोई किसी को नहीं सुन पाएगा। नमो नमा के बीच आइए, सीधे ले चलते हैं आपको सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। वक्त जाया किए बिना सबसे पहले शकील जी आपके पास, एक गांधी अब यहाँ भी वरुण गांधी का भी प्रमोशन हो गया है तो वो भी बहुत दिलचस्प है, अब देखना। नहीं, हम लोगों ने पहले भी कहा कि ये अंदरूनी मामला है बीजेपी का, किसको उन्होंने बनाया, जो लोग राजनीति करते हैं उनके साथ हैं उनको, चूंकि कुछ स्पेसिफिक मामला अमित शाह जी के साथ का है या नितिन गडकरी जी के साथ का है जो पब्लिक डोमेन में है उस पर चर्चा हो रही है। उनका अपना काम है कि अपने दल के लोगों को वाणी जी पर, हाँ हम लोग आपत्ति कर रहे हैं, वाणी जी को पहले भी सचिव थी, अभी भी सचिव बनाया है, तो हम लोगों ने कोई आपत्ति नहीं की, इसलिए कि क्यों आपत्ति करें, ये दूसरे के घर का मामला है। कहा हम लोग के यहाँ देहात के लोग हैं, कहा जा रहा है कि बाटा भाई पड़ोसी बराबर, तो उनके घर में क्या हो रहा है उससे नहीं, लेकिन कुछ जो पब्लिक परसेप्शन की बातें हैं वो हमको भी अच्छी नहीं लग रही है और मुझको लगता है कि जेडीयू जो उनके सहयोगी दल है उनको भी अच्छी नहीं लगती है और इस पर बोलने का सबको अधिकार है, लेकिन हम उनके घर के अंदरूनी मामले में किसको उन्होंने तरक्की दी, किसको रिमोट किया, किसको छोड़ दिया, यशवंत सिन्हा क्यों नाराज है, इस पर हम लोग नहीं बोलना चाह रहे। वाणी जी कुछ बोलना चाह रही, वाणी जी इसके साथ एक मेरा क्वेश्चन भी है, एक मेरा सवाल भी है और वो ये कि गांधी नाम का कार्ड तो आपकी पार्टी में भी चलता है, ये विनय कटियार जी कह रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं पता विनय कटियार जी क्या कह रहे हैं। विनय कटियार जी बहुत सम्मानित नेता है मेरी पार्टी के, मैंने उनका वक्तव्य नहीं सुना है, लेकिन शकील भाई जो अभी कह रहे थे अंदरूनी मामला है, घर का मामला, अरे सब लोगों ने सुन लिया है भाई, सब लोगों ने सुन लिया है, विनय कटियार जी का सारे टीवी चैनल पर दे रहा है, सारे टीवी चैनल पर दे रहा है कि विनय कटियार जी ने क्या कहा है, ये सारे टीवी चैनल पर चल रहा है, यशवंत सिन्हा जी ने क्या कहा है, ये सारे टीवी चैनल पर चल रहा है, इसलिए आप इससे पहले की कोशिश नहीं कही हुई, जो सच्चाई है उसको स्वीकार कीजिए कि उन्होंने क्या कहा है, विनय कटियार जी ने क्या कहा है, यशवंत सिन्हा जी ने क्या कहा है, इसको स्वीकार करना चाहिए, इसे बचने की आप खुद कोशिश कर रही है। हमें इतने की इजाजत देता है, लेकिन नीरज जी आपको कैसे जाने दे सकती हूँ ये सवाल पूछे बिना, नरेंद्र मोदी हैं सेक्युलर? जिन चर्चा आप कर रहे हैं भाई, हम तो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, हमारा नजरिया तो पूरा देश जानता है, जिस पर आरोप लगे हो वो हमारा कम से कम प्रेरणा स्रोत नहीं हो सकता है, राजनीति में आदर्श नहीं हो सकता है, तो हमारा नजरिया तो देश जानता है, पूरा समझौता हो सकता है, नहीं समझौता हमारा बिहार में कार्यक्रम की बुनियाद पर है, हमारा वो कार्यक्रम का पहला शर्त है सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक सद्भाव, वो तो बुनियाद हमारी है और हम एक दूसरे के खिलाफ वहाँ चुनाव लड़ते हैं। यहीं पर इस बहस का अंत करते हैं, आपकी खास मेहमानों का हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया। तो जेडीयू अभी और इंतजार करेगी ऐसा साफ दिखाई दे रहा है, कम से कम नरेंद्र मोदी का नाम जब तक प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में बीजेपी खुलकर नहीं कहती है तब तक वो साथ चलने को तैयार दिखाई देते हैं। गठबंधन की मजबूरियां इस दौर में किस तरह से तमाम लोगों पर हावी है तो आप देख ही रहे हैं, चाहे वो यूपीए या फिर वो एनडीए, आप देखते रहिए आज।